Hey guys, welcome back again to our town crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें. नंबर वन, रणबीर कपूर और बॉबी देओल की फिल्म एनिमल ने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. 1 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म एनिमल को 3 दिन पूरे हो गए हैं. तीसरे दिन फिल्म एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की है. ट्रेड एक्सपर्ट तरुण आदर्श ने रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल की कमाई के नए आंकड़े शेयर करते हुए बताया है कि फिल्म ने तीसरे दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 63.46 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, तो वहीं दूसरी भाषाओं में फिल्म ने 7.23 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई बॉक्स ऑफिस पर 201.76 करोड़ हो गई है. इसमें खाली हिंदी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 176.58 करोड़ रुपए कमा डाले हैं. नंबर टू, विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर ने बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड पूरा कर लिया है. विकी कौशल की फिल्म की कमाई में तीसरे दिन भी उछाल आया है. फिल्म सैम बहादुर का बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल से क्लैश हुआ, जिसके चलते विकी कौशल की फिल्म के कलेक्शन पर असर पड़ा है. हालांकि इसके बाद भी फिल्म सैम बहादुर ने अच्छी कमाई की है. फिल्म ने पहले वीकेंड के पूरे होने पर 25.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने शुक्रवार को 6.25 करोड़ रुपए कमाए, शनिवार को 9 करोड़ और रविवार को 10.30 करोड़ रुपए की कमाई की है. वहीं फिल्म एनिमल ने पहले पर 176.58 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है. नंबर थ्री, रणबीर कपूर की एनिमल ने साल 2023 की टॉप ओपनिंग वीकेंड मूवीज की लिस्ट में अपनी धांसू एंट्री मार ली है, लेकिन फिल्म पठान और जवान का रिकॉर्ड तोड़ने में नाकामयाब रही है. जवान ने ओपनिंग वीकेंड पर 286.16 करोड़ रुपए कमाए थे. शाहरुख खान की ये फिल्म लिस्ट में टॉप पर है. लिस्ट में दूसरे नंबर पर है पठान का नाम. फिल्म पठान ने ओपनिंग वीकेंड पर 280.75 करोड़ रुपए कमाए थे. रणबीर कपूर की एनिमल ने भी लिस्ट में धांसू एंट्री मारी है. फिल्म एनिमल ने 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 201.76 करोड़ रुपए कमा डाले हैं. सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है. फिल्म टाइगर 3 ने ओपनिंग वीकेंड पर 148.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. नंबर 4, अक्षय कुमार और रितेश देशमुख की लीड रोल वाली फिल्म हाउसफुल 5 एक बार फिर से चर्चा में आ गई है. मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है. हाउसफुल 5 पहले साल 2024 की दिवाली को रिलीज होने वाली थी. अब फिल्म हाउसफुल 5 की रिलीज डेट को बदलकर 6 जून 2025 कर दिया गया है. फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ने के कारण अब फैंस को इस हाउसफुल 5 के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा. आपको बता दें कि हाउसफुल 5 की कार्तिक आर्यन की फिल्म भूलभुलैया 3 से बॉक्स ऑफिस पर टक्कर होने वाली थी, लेकिन अब रिलीज डेट आगे बढ़ने से ये क्लैश पूरी तरह से टल गया है. नंबर 5, बॉलीवुड फिल्म स्टार रणबीर कपूर की मूवी एनिमल से डिलीट किया गया सीन अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देख फैंस इस सीन को मूवी में काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं. इस वीडियो को मेकर्स ने फिल्म एनिमल के गाने अर्जुन वैली में दिखाया था, लेकिन इस सीन को निर्माताओं ने फिल्म में शामिल नहीं किया, जिसे देख लोग काफी ज्यादा निराश हुए थे. अब ये सीन फिल्म के एक फैन पेज ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसके बाद ये एक प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल होने लगा. इस फिल्म ने पहले दिन ही शानदार कमाई करते हुए इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग ली थी, जबकि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में एनिमल ने वर्ल्ड लेवल पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई दर्ज करवाई. नंबर 6, KGF 2 के एक्टर यश का नाम फिल्म यश 19 से जुड़ गया है. ये यश के करियर की 19वीं फिल्म होने वाली है. अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आ रहा है. अब मेकर्स ने फिल्म के टाइटल का ऐलान करने की सारी तैयारियां कर डाली है. मेकर्स यश 19 के टाइटल की घोषणा 8 दिसंबर को करने वाले हैं. इससे जुड़ा एक पोस्टर भी शेयर किया गया है. इस पोस्ट में दिन के साथ साथ समय के बारे में भी बताया गया है. 8 दिसंबर को 9:55 पर फिल्म के टाइटल से पर्दा उठाया जाएगा. खबरों के मुताबिक इस फिल्म के लिए मेकर्स और यश के बीच करीब 1 महीने तक बातचीत चली. नंबर 7, हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी भूलभुलैया की तीसरी इंस्टॉलमेंट का प्री प्रोडक्शन जारी है. लगातार इस फिल्म को लेकर हर दिन कोई ना कोई अपडेट सामने आ रहा है. वहीं अब कहा जा रहा है कि फिल्म की तीसरी किस्त में भी मेकर्स ने कार्तिक आर्यन को ही कास्ट करने का फैसला किया है. दूसरी ओर ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार फिल्म से तब्बू को निकाल दिया गया है. हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इस पर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है. लेकिन सोर्स का कहना है कि रूह बाबा के रूप में कार्तिक आर्यन एकमात्र एक्टर है जिनकी पुष्टि की गई है, और अभी तक किसी दूसरे एक्टर की पुष्टि नहीं की गई है. नंबर 8, बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म डॉन 3 में डॉन की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने उस आलोचनाओं पर बात की है जो उन्हें काम शुरू करने से पहले ही मिल रही है. रणवीर सिंह ने कहा, मैं डॉन को अपना बनाने और उसे अपनी स्पिन, अपनी एक्सप्लेनेशन देने की उम्मीद कर रहा हूं. ये हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा और सम्मानित फ्रेंचाइजी में से एक की कमान सौंपे जाने का दिन है. इसका महत्व मुझ पर हावी नहीं हुआ है. जब घोषणा की गई तो जैसी की उम्मीद थी, ये अपने हिस्से के रूप में बाहर आई. नंबर 9,
करण जौहर के शो में इस हफ्ते कियारा आडवाणी और विकी कौशल एक साथ नजर आने वाले हैं। इस शो का प्रोमो वीडियो सामने आया है जिसमें विकी और कियारा अपने बेटर हाफ के सीक्रेट रिवील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही शो में कियारा ने जहां सिर्फ के प्रपोज के बारे में बताया तो वहीं विकी कौशल ने बताया कि कैटरीना कैफ उन्हें किस नाम से बुलाती है। करण जौहर के चैट शो में कियारा आडवाणी ब्लैक कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहनकर पहुंची है। कियारा से मैचिंग विकी कौशल भी ब्लैक कलर के कोट और पैंट में नजर आ रहे हैं। नंबर 10, इन दिनों अजय देवगन अपनी अपकमिंग फिल्म सिंह हम अगेन की शूटिंग में सुपर बिजी चल रहे हैं। हाल ही में एक्टर ने फिल्म से एक नया पोस्टर शेयर कर फैंस को फिल्म में अपने एक्शन से भरपूर लुक की झलक दिखाई थी। इन सबके बीच खबर है कि अजय देवगन फिल्म के एक सीन की शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन रोहित शेट्टी और उनकी टीम के साथ विले पार्ले में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। अजय कॉम्बैट एक्शन सीक्वेंस को शूट कर रहे थे जब ये हादसा हुआ। शूट के वक्त गलती से एक झटका एक्टर के चेहरे पर लगा जिससे उनकी आंख में चोट लग गई है। नंबर 11, रणबीर कपूर की पॉपुलर फिल्म एनिमल सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। 1 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म ने अपने पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। हाल ही में सोशल मीडिया पर बॉबी देओल का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक्टर अपने आंसू पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल फिल्म को मिल रहे प्यार को देख बॉबी देओल बेहद ही इमोशनल हो गए हैं और पैप के सामने ही रोने लग गए। बॉबी देओल पेपराजी के सामने अपने सभी फैंस का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो आग की तरह फैल रहा है। वीडियो पर लोग जमकर कॉमेंट कर रहे हैं। नंबर 12, एनिमल की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद फिल्म को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। फिल्म में काफी हिंसक और सेक्स सीन है जिसकी जमकर चर्चा हो रही है। इसी संदर्भ में अब फिल्मों में हिंसा और अश्लीलता के मुद्दे पर बॉलीवुड एक्टर आमिर खान का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर फिर से सर्कुलेट किया जा रहा है। इस वीडियो में आमिर खान फिल्मों में कहानी कहने के लिए डायरेक्टर्स के जरिए सेक्स और हिंसा का सहारा लेने को गलत ठहरा रहे हैं। आमिर ने कहा कि हो सकता है कई दफा ऐसे डायरेक्टर कामयाब हो जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे समाज को नुकसान पहुंचता है। आमिर के मुताबिक हम फिल्म बनाने वाले नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं। नंबर 13, बॉलीवुड सिंगर और रैपर बादशाह बीते कुछ दिनों से अपनी डेटिंग की खबरों को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। मृणाल ठाकुर के बाद अब बादशाह का नाम पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ जोड़ा जा रहा है। वहीं डेटिंग की अफवाहों के बीच हानिया आमिर ने ऐसी तस्वीरें शेयर कर दी है जिन्होंने नेटिजन्स के बीच और ज्यादा हलचल मचा डाली है। जी हां, लेटेस्ट फोटोज में बादशाह और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया साथ पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बादशाह और हानिया की नई फोटोज इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है। नंबर 14, मनीष शर्मा के जरिए डायरेक्टेड टाइगर 3 में सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आए थे। ये 12 दिसंबर को दुनिया भर के सभी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वहीं अभी 21 दिन के बाद फिल्म की ओटीटी रिलीज की चर्चा शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक टाइगर 3 करीब महीने भर बाद ही अमेजॉन प्राइम वीडियो पर फैंस को देखने को मिल सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले शाहरुख खान की पठान भी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर ही देखने को मिली थी। वहीं अब वायरफ की ये फिल्म यानी कि टाइगर 3 भी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नंबर 15, डंकी शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की एक साथ पहली फिल्म है। इसी फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त बस बना हुआ है और काफी समय से फिल्म के ट्रेलर का इंतजार हो रहा है जो अब खत्म होने को है। फिल्म डंकी के टीजर और गाने पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया है। वहीं अब फिल्म के ट्रेलर को लेकर दर्शकों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 5 दिसंबर मंगलवार डंकी का ट्रेलर रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने को लेकर काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे लेकिन मेकर्स ने डेट तय नहीं की थी, मगर अब लग रहा है कि फाइनली डंकी के ट्रेलर डेट आ चुकी है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।